नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं अक्सर जो है एक टेलीविज़न में एक सीरियल देखा करता था। ये उस वक्त की बात है जब दूरदर्शन होता था। आई थिंक आज की जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा कि दूरदर्शन चैनल जो है एग्जिस्ट करता था या फिर करता है। तो दूरदर्शन में हर संडे को एक ये बच्चों का एक सीरियल आता था और उस कार्टून फिल्म का नाम था ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। जब भी मैं उस सीरियल को देखता था मैं इतना इंस्पायर्ड हो जाता था। आई यूज़ टू फील वन विद द ही मैन। सीरियल शुरू होता था जब भी वो जो एनिमेशन शुरू होती थी, ही मैन यूज़ टू यू नो टेक आउट हिज सॉर्ड एंड यूज़ टू से बाय द पावर ऑफ द ग्रे स्कल। और एज अ किड आई यूज़ टू डू अ लॉट। और उस वक्त की अगर हम बात करें तो गिने चुने कुछ एक दो सीरियल ही होते थे बच्चों के लिए। और एंड आई यूज़ टू लव दिस एंड आई यूज़ टू फील यू नो लाइक द पावर विच दिस ही मैन हैज़, द सेम पावर यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव। लेकिन आज की डेट में मैं डिस्कवर करता हूँ कि वो जो ही मैन है वो हम सबके अंदर है। और वो ही मैन जो है उसका एक और नाम है, उसका नाम है द मैजिशियन। जिस कार्ड की आज हम बात करने वाले हैं वो है द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। ही इज समवन हु हैज़ द पावर ऑफ द यूनिवर्स एंड ही कैन चेंज हिज लाइफ द वे ही वॉन्ट्स। ही हैज़ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, ही हैज़ ऑल द पावर अवेलेबल। तो आज हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ द मैजिशियन, द कार्ड ऑफ द ही मैन। तो कार्ड ऑफ द मैजिशियन में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कार्ड ऑफ द मैजिशियन के कीवर्ड्स होंगे पावर, स्ट्रेंथ, यांग प्रिंसिपल, इन्फिनिटी, इंटेलिजेंस, अर्थ, हेवन, क्रॉसरोड, क्रिएटिविटी, एक्शन, फ्लावरिंग। तो इसके सिंबोलिज्म में जाएंगे, अगर पिक्टोरियल सिंबोलिज्म में जाएंगे तो इट्स काइंड ऑफ वेरी सिंपल। वी सी अ मेल फिगर स्टैंडिंग हुज वन हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हेवन एंड द अदर हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द अर्थ। उसकी टेबल के ऊपर जो है चारों सिंबल्स हैं सूट के, द कॉइन्स विच इज नोन एज द पेंटिकल्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स। ऊपर हम देखते हैं देर आर लाइक रोज बुशेस विच आर देयर, और नीचे हम देखते हैं देर इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लावरिंग। उसके सर पे हम देखते हैं देर इज़ अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो मैजिशियन इज़ वन ऑफ द वेरी स्पेशल कार्ड्स। मैजिशियन का नंबर है वन विच इज़ नोन एज द मेल प्रिंसिपल। यहीं से सारी यात्रा शुरू होती है। दिस इज़ वेन द फूल रियलाइजेज यू नो लाइक द पावर्स विच ही हैज़। This is the time when he realizes, you know, that he can actually change his destiny. He can give his life a direction, whatever he wants. Because all four suits are available to him. All these four powers are available to him. And these four powers are just like, you know, like he's standing at a crossroad. वो अपने life की एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हुआ है कि वो कहीं पर भी जा सकता है, वो किसी भी direction में वो जा सकता है और उसके पास वो ताकत है। तो कुछ ऐसा समझिए, जब आप इस लाइफ में आते हैं, जब इस जीवन में आप एंटर करते हैं, आपको ये मैजिशियन की पावर दी जाती है और ये आपके हाथ में होता है कि दैट यू कैन चूज़ विच डायरेक्शन यू वांट टू चेंज। एंड मोस्ट ऑफ अस इट्स अ काइंड ऑफ अ ओल्ड पैटर्न, द ओल्ड कर्मा, द ओल्ड बर्थ फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। एक वो ओल्ड पैटर्न जो लेके आ रहे होते हैं उसके कारण हम अपना पैटर्न चूज़ कर लेते हैं, अपना कर्मा चूज़ कर लेते हैं और एक अनकॉन्शियसली एक कर्मा डिसाइड हो जाता है, एक पाथ डिसाइड हो जाता है। इट्स ओनली वेरी फ्यू चूजन वंस हु चूज देयर पाथ, जिनके पास एक ताकत होती है कॉन्शियसनेस की। तो सिर्फ जो है मैजिशियन के कार्ड के आने से कुछ नहीं होता। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू हैव दैट पावर ऑफ कॉन्शियसनेस इनसाइड। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू डायरेक्ट एंड गिव डायरेक्शन टू यू and give direction to your life, the direction which you are always looking for.
कार्ड में हम देखते हैं कि पीछे जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ येलो एनवायरनमेंट विच स्टैंड्स फॉर वाइटलिटी एनर्जी सनराइज लाइक एवरीथिंग इज फ्रेश एवरीथिंग इज न्यू इट्स लाइक मॉर्निंग लाइक समथिंग इट्स लाइक इट शोज अ बिगिनिंग और ये जो ऊपर ये जो फ्लावर्स शो करते हैं इट जस्ट शोज लाइक एवरीथिंग इज फ्लावरिंग एवरीथिंग इज इन अबेंडेंस दैट ही इज बीइंग वेलकम्ड दैट ही इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्स. एक हाथ जो है उसका जो है हेवन की तरफ है और दूसरा हाथ जो है वो पॉइंट कर रहा है अर्थ की तरफ जो कि सिंपली इट शोज दैट ही ड्रॉज हिज एनर्जी फ्रॉम द हेवन ही ड्रॉज हिज एनर्जी फ्रॉम गॉड फ्रॉम द स्पिरिचुअल सोर्सेज एंड ही डायरेक्ट्स दिस एनर्जी इन टू हिज लाइफ इन टू द अर्थ एलिमेंट यू नो. और अर्थ में जो है ही कैन एक्चुअली जस्ट गिव वॉट एवर डायरेक्शन ही वॉन्ट्स. उस ताकत के जरिए वो जो है उसके टेबल के ऊपर जो है वो चार ऑप्शंस आ जाती हैं द ऑप्शन ऑफ पेंटिकल द ऑप्शन ऑफ कप्स द ऑप्शन ऑफ सॉर्ड्स एंड द ऑप्शन ऑफ अ वॉन्ट. सो विच इज़ लाइक देयर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही कैन चूज या फिर कुछ ऐसा समझिए कि लाइक दिस पावर इज देयर एंड ऑल दीज फोर एलिमेंट्स आर एनर्जाइज एंड बिकॉज दीज आर एनर्जाइज ही कैन एक्चुअली यूज देम द वे ही वॉन्ट्स. इन फैक्ट मैजिशियन के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो चाहे तो इन चारों एलिमेंट्स को जो है अपने साथ लेके चल सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही एलिमेंट अपने लिए चूज़ करना है. जितना एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे उतना जो है उसके अंदर जो है चारों एलिमेंट्स उसके साथ जो है उतने ही प्रेजेंट होंगे. अगर हम एक एनलाइटेंड आदमी की बात करते हैं तो उसके चारों एलिमेंट जो हैं वो पूरी तरह से प्रेजेंट हैं उसके अंदर. और अगर हम बात करें अगर जिसके अंदर जो है अभी जिसने यात्रा शुरू करी है जो कि एक अभी एक जिसमें कंप्लीशन नहीं है तो द एलिमेंट्स जो 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 फोर एलिमेंट्स जो शो कर रहे हैं दे विल ऑलवेज बी सम और द अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी लैकिंग. इसलिए देर आर ऑलवेज दीज स्पिरिचुअल प्रोसेसेस विच आर देयर टू ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन द एलिमेंट्स विच आर देयर इनसाइड ऑफ यू. योगा में एक प्रोसेस है विच वी कॉल इट दी पंचभूत आराधना. इस पंचभूत आराधना के अंदर जो है पांचों एलिमेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसके हम बने हुए हैं उन एलिमेंट्स को जो है हील किया जाता है और उन एलिमेंट्स को जो है बैलेंस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर हमारी लाइफ के अंदर सो दैट आवर लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल आवर लाइफ कैन ग्रो एंड नर्चर इट्सेल्फ. मैजिशियन के सर पे जो है इन्फिनिटी का सिंबल है विच स्टैंड्स फॉर विजडम एंड हम देखते हैं कि जो मैजिशियन है उसका जो पेट है अब अक्सर जो है हम उसको बेल्ट समझ लेते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बेल्ट नहीं है वो एक स्नेक है जो कि स्नेक जो है अपनी टेल खुद खा रहा है विच सिंबलाइजेज विच एक्चुअली मीन्स विच स्टैंड फॉर डेथ एंड रीबर्थ विच स्टैंड फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइफ विच स्टैंड फॉर योगा. एक पैराडॉक्स दिखाया गया है उसके अंदर. वो पैराडॉक्स ये बताता है कि जहाँ एक तरफ लाइफ जो है ग्रो कर रही है वहीं पे जो है अपने साथ साथ जो है वो लाइफ ही अपने आप को जो है उसको रिन्यू भी कर रही है क्योंकि लाइफ इन इटसेल्फ इट ओनली बिलीव्स इन लाइफ नॉट डेथ. तो जिसको आप डेथ देखते हैं दैट इज़ जस्ट अ रिन्यूअल. और वो जो सिंबल है यहाँ पे वो ओरोबोरस का सिंबल है और वो ओरोबोरस का जो सिंबल है वो यही बताता है कि द ओनली थिंग विच एग्जिस्ट हेयर इज जस्ट लाइफ. तो डेथ इज़ अ काइंड ऑफ एन इल्यूजन विच इज़ शोन इन दिस फिगर. तो जब वो अपनी स्नेक जो है अपनी जो पूंछ खा रहा है वो स्नेक जो है सिर्फ यही बता रहा है कि देर इज़ ओनली लाइफ विच एग्जिस्ट. कार्ड में जो है अगर हम ड्रेस देखें तो रेड कलर जो है वो सिम्बलाइज करता है लाइफ को इट्सेल्फ एंड विच ऑल्सो शोज दैट ही इज़ एक्सपीरियंस्ड ही नोज वॉट लाइफ इज़ एंड इट ऑल्सो स्टैंड फॉर अलाइवनेस. जो वाइट कलर है दैट स्टैंड फॉर इज प्योरिटी. और ऊपर जो है हम देखते हैं उसका जो है नंबर वन सिंबल जो शो करता है दैट इज़ द मेल प्रिंसिपल दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ टैरो कार्ड्स ऑल्सो सिग्निफाइज विल पावर एंड डायरेक्टेड कॉन्शियसनेस. मैजिशियन की जो एलिमेंट है वो है एयर और एयर जो है वो स्टैंड करता है इंटेलेक्ट के लिए द क्रिएटिव पावर ऑफ द इंटेलेक्ट दैट ही हैज़ द इंटेलिजेंस टू शेप हिज लाइफ to create the kind of a life which he always wants. The magician also signifies light and consciousness, the ability to analyze and create.
And as I said, it's the Yang principle. Yang principle is actually taken from the yin and yang, from the Chinese philosophy. Yin jo hai, wo is a female principle, and yang jo hai, wo male principle hai. Yang is the visible principle, yin is the invisible principle. और यिन जो है वो फीमेल साइड को सिग्निफाई करता है और यांग जो है मेल साइड को सिग्निफाई करता है. इसलिए जो मैजिशियन कार्ड है, जो सबसे पहला कार्ड है, वो है यांग के लिए, वो है मेल के लिए. जो सेकंड कार्ड है वो फीमेल के लिए. द टू नंबर इज ऑफ द फीमेल, इट्स अ फीमेल प्रिंसिपल, एंड दैट इज़ वाई द हाई प्रीस्टेस इज शोन, एंड बोथ हैव पावर्स. हाई प्रीस्टेस के अंदर जो है, जो पावर्स हैं वो हिडन पावर्स हैं, जिसको वो जो है इजीली शो नहीं करती. इट्स लाइक मोर ऑन द मिस्ट्री साइड. अगर हम मैजिशियन को देखें, इस पावर्स आर ऑल डिस्प्लेड ऑन द टेबल. एवरीवन कैन सी, यू नो, लाइक द पावर व्हाट ही हैज़ द पावर ऑफ क्रिएटिविटी. ही कैन क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ व्हिच ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ. मैजिशियन जो है अपनी डेस्टिनी को जो है पूरा अपने मैजिशियन अपने हाथ में पावर रखता है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए. लेकिन वो डेस्टिनी ऐसे ही नहीं चेंज हो सकती. What is important to understand is, unless and until he is not changing his energy into consciousness, unless and until he is not changing his unconscious energy into consciousness, he will not be able to, you know, control his destiny. जितनी आपकी conscious energy जो है बढ़नी शुरू हो जाती है, उतना जो है आपको ये control, जो है magician का control आपके हाथ में आ जाता है कि आप जिस तरह से अपनी life को shape करना चाहते हैं, you will be able to shape it. तो जब भी मैजिशियन कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि दैट यू आर एक्चुअली एट अ क्रॉस रोड, या फिर ये समझिए कि लाइफ आपको एक दोबारा से एक मौका दे रहा है. दैट अ स्ट्रॉन्ग पावर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर इज एक्चुअली गेटिंग एसोसिएटेड विद यू. डोंट लेट इट गो वेस्ट. नाउ इज़ द टाइम टू चूज़ द राइट डायरेक्शन फॉर यू. एक तो आपको जब आप अपनी लाइफ शुरू करते हैं, तब ये जो है द कार्ड ऑफ द मैजिशियन सिग्निफाई करता है. और जब बाद में जब एक आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, व्हेन इट इज़ गिवन टू यू, इट मींस अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क वेयर यू कैन एक्चुअली चेंज द डेस्टिनेशन विच यू वांट फॉर योरसेल्फ. तो अभी आपके पास मौका है कि जिस चीज़ से आप खुश नहीं हैं, उसको आपको बदलने की पूरी ताकत रखते हैं. और जो आप होना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ एंड यू कैन बिकम दैट व्हाट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी. अगर हम बात करें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, द मैजिशियन बेसिकली शोज दैट ही हैज़ द पावर दैट ही कैन चूज एनी डायरेक्शन विच ही वांट्स फॉर हिज करियर, एंड ही कैन चूज द काइंड ऑफ करियर विच ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ. एंड द फोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विच बेसिकली शोज दैट ही कैन चूज द करियर ऑफ पेंटिकल, कप्स, सॉर्ड और वॉन्ड. अगर हम लव, रिलेशनशिप, मैरिज की बात करें, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम वेयर यू आर एबल टू have the choice to connect with the partner which you want for yourself. And also this kind of a choice is there whether you want to go into a love marriage or an arranged marriage. And if you're already married, this card signifies a kind of a choices which is shown to you to make your relationship more beautiful, more fruitful and more nourishing. So agar hum baat kare personality wise ki magician ki, like he will be someone who will have this authority. He will be a person of authority. He will have the power to change his destiny, and he can also influence people around. That people will be able to come around him and come for guidance, and he will be like a perfect example. He will be a perfect example in which people will get inspired, and people will also be able to awaken their powers, which are like hidden inside of them. So, this was my reading for you for the card of magician. जाते जाते जो है एक quote जो कि मैं magician के ऊपर बोलना चाहूँगा, ये quote जो है anonymous का है. quote कुछ ऐसा है, quote कहता है, there is magic but you have to be the magician. you have to make the magic happens. real magic is not about gaining power over others, it's about gaining power over yourself. remember that you are divine. be patient. So, with this quote, I end my reading here, and I wish the magician which is sitting inside of you, that wakes up and it gives you whatever you wish for, and it gives you the direction, and it makes you what you always wanted to be. So, I will see you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed. Thank you so much for watching. Namaste.